नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनालिसिस क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, बिहार सरकार के द्वारा उत्पाद सिपाही की भर्ती वैकेंसी जारी कर दी गई, जिसमें टोटल पोस्ट जो है 689 पोस्ट है। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में आपको डिटेल में बताने वाले, कब से आप आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, अप्लाई प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, हाइट कितनी होनी चाहिए, दौड़ के, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको डिटेल में दी जाएगी। तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखते हैं कब से आप आवेदन कर सकते हैं, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया केंद्रीय चयन बोर्ड सिपाही भर्ती को लेकर, जिनमें से मद निषेध उत्पाद निबंधन विभाग में मद निषेध सिपाही में रिक्त पदों पर भारतीय उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि, आप 14 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है 14 दिसंबर तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। अगर सैलरी की बात की जाए टोटल पोस्ट की, तो आपका सैलरी जो वेतनमान है थर्ड लेवल पर है 21,700 से 53,000 तक है, और इसके लिए टोटल पोस्ट 689 पोस्ट है। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मद निषेध सिपाही की पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, यानी कि पात्रता इसके लिए क्या होनी चाहिए। तो भारतीय नागरिक होना अनिवार्य, यानी कि आप किसी भी अन्य राज्य में हैं तो फिर भी आप आवेदन कर सकते हैं, जिसमें महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, तो आप इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 उत्तीर्ण होनी चाहिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं इंटरमीडिएट उत्तीर्ण। नेक्स्ट आपके लिए उम्र सीमा जो निर्धारित की गई है, सामान्य अनारक्षित वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा जो निर्धारित की गई है वह 18 वर्ष से 25 वर्ष तक है, और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा जो निर्धारित की गई 18 से 27 वर्ष तक है। और तीसरा कॉलम में आपका है पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से 28 वर्ष तक के आवेदन कर सकते हैं, और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के पुरुषों महिलाओं तथा थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए जो उम्र सीमा जो निर्धारित की गई 18 वर्ष से 30 वर्ष तक निर्धारित की गई, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए ये रही एज लिमिट की सीमा। तो चलिए देखते हैं आप कब से, इसके लिए जो बात कीजिए शारीरिक मापदंड क्या होनी चाहिए, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ऊंचाई की बात की जाए, ऊंचाई सीना और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, परंतु विहित अर्थाएँ पूरी नहीं करने वाले व्यक्ति असफल घोषित किए जाएंगे, यानी कि आपको शारीरिक मापदंड से होकर गुजरना ही पड़ेगा। जिनमें से अगर ऊंचाई की बात की जाए, तो अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग के लिए जो पुरुष के लिए जो न्यूनतम हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष के लिए जो 160 सेंटीमीटर निर्धारित की गई, और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए जो है 160 सेंटीमीटर है, और सभी वर्गों के महिलाओं के लिए जो उम्र सीमा निर्धारित की गई 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चलिए अब सीना की बात कर लेते हैं सिर्फ पुरुषों के लिए। अनारक्षित सामान्य पिछड़े वर्ग पुरुष के लिए जो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम, और मैक्सिमम और फुलाकर बात की जाए तो 81 से 86 के बीच होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष के लिए जो है बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86, यानी कि 81 से 86 के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो है बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर, यह सीन। नेक्स्ट है आपका वजन, वजन की बात की जाए तो सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन जो 48 केजी ग्राम होनी चाहिए, यानी कि सभी वर्ग की महिलाओं के उम्मीदवारों के लिए जो है वो न्यूनतम उम्र जो है एज यानी कि वेट जो है 48 केजी होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, सभी आप शारीरिक मापदंड के योग्यता पास कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका नियुक्ति की प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो आपका जो है प्रथम चरण में आपका लिखित परीक्षा होगा, जिनमें आपका जो एग्जाम होगा 10th बेसिस के आधार पर होगा, और लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, और दूसरा आपका प्रश्न पत्र जो है 2 घंटे के एक एक प्रश्न में कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। आपका जो एग्जाम होगा वो AMR सीट पर होगा। अगर आप इस ये जो है यानी कि जो लिखित परीक्षा क्वालिफिकेशन के अंतर्गत आएगा, अगर आप लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची के आधार नहीं होगी, लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए
क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। तो चलिए आगे बात करते, लिखित परीक्षा के बाद आपको द्वितीय चरण में शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा होगी, जिनमें से आपकी दौड़ होगी, इसी में नंबर आपको मिलेगा। दौड़ आपका अधिकतम 50 अंक की होगी। सभी कोटि के पुरुषों के लिए एक मील दौड़ यानी कि 1.6 किलोमीटर है और अधिकतम आपको 6 मिनट में पूरा करना है। 5 मिनट से अगर कम लेते हैं तो आपको 50 अंक मिलेगा। अगर आप 5 मिनट से 5 मिनट के 20 सेकंड तक दौड़ को पूरा कर लेते हैं तो आपको 40 अंक मिलेगा, और 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकंड तक लेते हैं आपको 30 अंक मिलेगा, और समय के आधार पर आपको नंबर दी जाएगी यहाँ पे। और चलिए देखते हैं आगे, महिलाओं के लिए जो दौड़ निर्धारित की गई है, महिला के लिए जो दौड़ है 1 किलोमीटर, अधिकतम आपको 5 मिनट मिलेगा, जिनमें से अगर आप 4 मिनट से पहले दौड़ को पूरा कर लेते तो आपको डायरेक्ट 50 अंक मिलेगा। अगर इससे कम में पूरा करते 40, 30, 20 इस तरह करके दौड़ में आपको नंबर दी जाएगी। तो नेक्स्ट है गोला फेंक, आपको अधिकतम 25 अंक का होगा, जिसमें सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पॉइंट का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा। 16 फीट से 17 फीट तक अगर फेंक पाते आपको 9 अंक दी जाएगी, और 17 फीट से ज़्यादा 18 फीट तक फेंक लेते तो आपको 13-17 इस आधार पर आपको नंबर दी जाएगी। 16 फीट से कम फेंकने वाले सभी पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। सभी कोटि के महिलाओं के लिए 12 पॉइंट का गोला न्यूनतम फीट फेंकना ही होगा, और महिलाओं के लिए जो निर्धारित की गई 12 फीट से या 13 फीट आपको 9 अंक, तो इस आधार पर गोला फेंक में आपको नंबर मिलेगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तीसरा आपका ऊंची कूद होगी, जिसमें अधिकतम 25 अंक आपको मिलेगा, जिसमें सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 4 फीट निर्धारित की गई है, और 4 फीट से अगर आप 4 फीट के लिए आपको 13 अंक मिलेगा, और 4 फीट से अगर आप अधिक ऊंचाई पर कूद लेते हैं तो आपको 17, 21, 25 पर आपको नंबर मिलेगा। नेक्स्ट आपका अगर महिलाओं की बात की जाए तो न्यूनतम ऊंचाई 3 फीट की होगी। अगर आप 3 फीट ऊंचाई को कूदते हैं आपको 13 अंक मिलेगा, अगर इससे अधिक तो 17, 21, 25 तक नंबर मिल सकता है। अगर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे फीट से कम कूदने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा, अगर आप 3 फीट से कम कूदते हैं तो। नेक्स्ट आपका मेधा सूची एवं नियुक्ति जो है मेधा सूची जो तैयारी की जाएगी, वो दौड़ ऊंचाई कूद तक गोला फेंक अभ्यर्थि द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। यानी कि आपको शैक्षणिक जो यानी कि आपका जो मापदंड है दौड़ ऊंचाई, इन सब के बेसिस के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसके लिए उम्र सीमा, जो टोटल पोस्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 689 पोस्ट है, जिसमें कैटेगरी वाइज पोस्ट को बांटा गया है। फॉर्म भरने की तिथि भी जारी कर दी गई है, आप 14 नवम्बर से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और अंतिम तिथि जो 14 दिसंबर तक, यानी कि आपको 1 मंथ का समय है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए परीक्षा शुल्क क्या निर्धारित की गई। तो देख सकते हैं बिहार राज्य के मूल निवासी अत्यंत पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के पुरुषों एवं अभ्यर्थियों एवं राज्य के बाहर अभ्यर्थियों, चाहे वो किसी भी कोटि वर्ग एवं महिला पुरुष के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य जो है 675 रुपया है। यानी कि बिहार राज्य के मूल निवासी अत्यंत पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों एवं राज्य के बाहर, यानी कि अगर आप अन्य राज्य से हैं तो इसके लिए भी आपको महिला हो या पुरुष, इसके लिए जो 675 रुपया पैसा शुल्क निर्धारित की गई है। और बिहार राज्य के मूल निवासी जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग के कोटि के जो महिला अभ्यर्थियों एवं थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य जो है 180 रुपया निर्धारित की गई। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है आवेदन कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।